बिहार में बदलती सियासत के बीच नीतीश कुमार की कुर्सी प्रेम पर लगातार ग्रहण लगा हुआ है। महागठबंधन के जिस बहुमत के आंकड़े को रोकने के लिए नीतीश कुमार ने जितिन राम मांझी के बेटे को 9 मंत्रियों की सूची में शामिल किया, संयोग से विरोध की अग्नि वहीं से जल उठी है। दरअसल जितिन राम मांझी ने अब सीएम नीतीश कुमार से एक और मंत्री पद के साथ महत्वपूर्ण विभाग की मांग भी कर दी है। मांझी का तर्क है कि वो महागठबंधन की तरफ से सीएम का पद ठुकरा कर आए हैं, इसलिए एनडीए की सरकार कम से कम 2 मंत्री पद तो दे। ऐसे में जब नीतीश कुमार 12 फरवरी को विधानसभा के फ्लोर पर बहुमत साबित करने जा रहे हैं तो मांझी भी 4 विधायकों के समर्थन को पूरी तरह से भुना लेना चाहते हैं। हालांकि मांझी के तो 4 विधायक हैं भी, चिराग पासवान के पास तो एक भी विधायक नहीं है, लेकिन फिर भी वो खेल करने को तैयार है। 2020 के लोकसभा चुनाव में लोक जनशक्ति पार्टी की तरफ से सिर्फ एक विधायक की जीत हुई थी, जो कि अब जेडीयू में है। वैसे भी चिराग पासवान एनडीए में रहकर नीतीश कुमार के नीतियों का विरोध करते रहे हैं और इस बार भी नीतीश के मंत्रियों की पहली लिस्ट पर उन्होंने सवाल खड़े कर दिए हैं। दिलचस्प बात यह है कि जितिन राम मांझी और चिराग पासवान के विरोध का कारण निर्दलीय विधायक सुमित सिंह है। दरअसल निर्दलीय विधायक नीतीश कुमार के मित्र नरेंद्र सिंह के बेटे हैं। जितिन राम मांझी और चिराग पासवान दोनों का आरोप है कि नरेंद्र सिंह से मित्रता के कारण नीतीश कुमार सुमित सिंह को मंत्री तो बना रहे हैं, साथ ही मलाईदार विभाग भी दे रहे हैं। चिराग पासवान का कहना है कि नीतीश कुमार गठबंधन धर्म के विरुद्ध जाकर निर्दलीय विधायक सुमित सिंह को मंत्री बना रहे हैं, जो सुमित कुमार जमुई लोकसभा चुनाव के समय मेरा विरोध कर रहे थे और मुझे चुनाव हराने का षड्यंत्र रच रहे थे, उन्हें मंत्रिपरिषद में जगह क्यों मिल रही है। आपको बता दें कि सीएम नीतीश कुमार ने सुमित कुमार और सुमन मांझी को डैमेज कंट्रोल के लिए मंत्री बनाया था। ये सब तेजस्वी यादव के उस बयान के बाद हुआ जिसमें उन्होंने कहा था कि खेला तो अभी बाकी है। इस खेल में मांझी के 4 विधायक और निर्दलीय विधायक सुमित सिंह के महागठबंधन की तरफ चले जाने का खतरा था। ऐसे में नीतीश कुमार ने अपना दांव तो चल दिया, लेकिन अब उस दांव को लेकर रार छिड़ी हुई है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।